मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद के गोद लिए सीएससी जंगल कौड़िया की व्यवस्थाओं का विस्तृत अवलोकन किया तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की रंगाई पुताई साफ सफाई एक्सरे अल्ट्रासाउंड मशीन की व्यवस्था के साथ ही समस्त चिकित्सकीय उपकरणों की व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सीएससी में मरीजों के इलाज में किसी तरह की असुविधा न हो और मरीजों को बेहतर इलाज प्रदान किया जाए तथा नियमित रूप से ओपीडी का संचालन प्रारंभ होने के लिए कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि चिकित्सक नियमित रूप से यहां रात्रि प्रवास भी करें। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां तैनात चिकित्सकों लेबर रूम एवं अन्य व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने सीएससी जंगल कौड़िया में कोविड वैक्सीनेशन सेंटरों का विधिवत अवलोकन किया तथा वैक्सीनेशन कराने आए हुए लोगों से वार्ता कर उनकी कुशलक्षेम पूछा। इस दौरान चिकित्सकों ने बताया कि अति शीघ्र यहां मिनी पी को संचालित कर दी जाएगी। 30 बेड की व्यवस्था अस्पताल में है। इमरजेंसी सेवा भी प्रारंभ होगी। ओपीडी चल रही है। अस्पताल में एमओवाईसी सहित कुल 12 स्टाफ की तैनाती है। इस दौरान विधायक एम्पियरगंज फतेह बहादुर सिंह, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, प्रभारी जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह सहित एडी हेल्थ सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे सहित अन्य चिकित्सक और अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय सीएससी जनरल कौड़िया का निरीक्षण किया और महोदय माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने क्योंकि इसको गोद लिया है और निरीक्षण के दौरान उन्होंने बहुत सारी आदेश दिए, इंस्ट्रक्शन दिए कि इसमें मरीजों को भर्ती किया जाए और बहुत बढ़िया से बढ़िया सुविधाएँ दी जाएँ, अल्ट्रासाउंड मशीन लगा दी जाए, एक्सरे मशीन लगवाइए और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करिए और जो भी स्टाफ कम है वो सबकी तैनाती की जाए। तो इन सबका माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी निर्देश है उसके अनुसार बहुत अच्छी तरह से उसका संचालन होगा और जो कुछ स्टाफ कम है उनको हम जल्दी से कल से ही तैनात कर देंगे और बहुत अच्छी तरह से ये सीएससी संचालित होगा। सर ऑक्सीजन प्लांट लगाने का भी प्लान है क्या वहाँ? ऑक्सीजन प्लांट तो हमारी सभी सीएससी पीएससी पर लगने की प्लानिंग है। तो अभी 5-6 जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट चल रहे हैं, लग रहे हैं, उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से इस पर भी लगेगा।